सुहेड़ आई आर फैंस, तो इंडिया के पहले सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी मैथुवर्स को क्रिएट कर रहे हैं प्रशांत वर्मा, जिसकी पहले मूवी का टीजर फाइनली आ चुका है, यानी हनुमान या फिर हनुमान जो आपको सही लगे। तो आज की वीडियो में हम इसका रिव्यूज, इसकी डिटेल्स और इसके VFX का ब्रेकडाउन करेंगे और इसके VFX को कुछ गुड VFX मूवीज एंड कुछ बैड VFX मूवीज से भी कंपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक जबरदस्त वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथुवर्स या फिर प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में, जिस यूनिवर्स में हम इंडियन मैथोलॉजी और गॉड्स की पावर को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। इस यूनिवर्स में ऑलमोस्ट सब सुपर हीरो की पावर इंस्पायर होगी हमारे किसी ना किसी मैथोलॉजी गॉड से, जैसे कि इस मूवी में इंस्पायर है हनुमान जी से। और इस यूनिवर्स यानी मैथुवर्स की एक और मूवी अनाउंस हो चुकी है, जिसका नाम है अधीरा। और बात करें इसके टीजर की, तो उसका टीजर हम फैंस में एक गूज़बम्प की लहर ला देता है, जहां हमको टीजर की शुरुआत में उस आवाज में श्री राम जी का जाप जपता हुआ सुनाई देता है, जिसके साथ हमको दिखाया जाता है एक रिवर का शॉट जो कि काफी अच्छे से रेंडर है और काफी अच्छे से काम किया गया है उस पर। और हमको उसी रिवर के पीछे दिखाई जाती है हनुमान जी की एक मूरत, जो कि मूरत काफी रियलिस्टिक लगती है इस शॉट में। और फिर हमको इस मूवी के मेन लीड दिखाए जाते हैं एक बुरी हालत में समुद्र के किनारे, और फिर हमको उनके लव इंटरेस्ट का शॉट दिखाया जाता है और उनके पीछे हमको एक क्रिएचर देख सकते हैं जो कि शायद हमको पूरी मूवी में इस विलन को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और फिर मिलता है हमको फर्स्ट शॉट इस मूवी के मेन विलन यानी माइकल का, जो कि काफी फ्यूचरिस्टिक फील दे रहा है और उसकी आंख पर एक आई पैच लगा हुआ है बिल्कुल निक फ्यूरी के माफिक। और फिर हमको देखने को मिलता है टिपिकल साउथ इंडियन एक्शन सीन, जहां हमको इस मूवी की मेन एक्ट्रेस भी एक्शन में दिखाई देती है विद द कपल ऑफ नारियल्स। और फिर हमको इस मूवी के हीरो के कुछ एक्शन पैक सीन्स दिखाए जाते हैं विद द हनुमान गदा, जिसमें से मेरा फेवरेट सीन है वो हेलीकॉप्टर वाला, जब वो हेलीकॉप्टर के सामने गदा लेके खड़ा होता है। वो सीन कितना अच्छे से रेंडर किया गया और कितना वेल डेवलप्ड है। और इस चीजें को देखकर कहीं ना कहीं हमको इस मूवी की स्टोरी का अनुमान लग जाता है। रतन है यानी रक्त रतन, जो कि हमको इस टीजर के एंड में उस ग्लेशियर में हनुमान जी के साथ देखने को मिलता है, जिस रक्त रतन से किसी नॉर्मल पर्सन को भी हनुमान जी की पावर मिल सकती है। जिस रतन को चेस करते हुए विलन को रोकेगा हमारा सुपर हीरो यानी हनुमान, और इसी चेजिंग अनचेजिंग के पीछे इस मूवी की पूरी स्टोरी एस्टेब्लिश होगी। और बात की जाए इसके VFX की, तो 17 करोड़ के बजट में इसके VFX काफी अच्छे हैं। और अगर वही बात की जाए 500 करोड़ के आदि पुरुष के VFX की, तो इसके VFX 500 करोड़ के आदि पुरुष के VFX तो काफी आराम से बीट कर देते हैं। और अगर बात की जाए कंपैरिजन की, तो हनुमान की नदी के शॉट को अगर हम आदि पुरुष के नदी के शॉट से कंपेयर करें, तो हनुमान के नदी के शॉट को काफी अच्छे से रेंडर किया गया है और काफी अच्छे से क्रिएट किया गया है। अगर हम वही बात करें आदि पुरुष के नदी के शॉट को, तो उसमें काफी ग्लिचेस और काफी रेंडरिंग देखने को मिलती है। और दूसरी तरफ बात करें अंडर वाटर शॉट्स को, तो आदि पुरुष का अंडर वाटर शॉट काफी अनरियलिस्टिक लगता है कि उसको सिर्फ ग्रीन स्क्रीन पे क्रिएट कर दिया गया, जिस ग्रीन स्क्रीन को अच्छे से रिमूव भी नहीं किया गया। बात करें हनुमान के रक्त रतन के अंडर वाटर शॉट के, तो वो काफी अच्छे से क्रिएट किया गया है, जिसमें हमको जेलीफिश की शेड भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। इस कंपैरिजन से ये साफ हो जाता है कि 17 करोड़ की हनुमान 500 करोड़ की आदि पुरुष पर भारी पड़ रही है। कहीं ना कहीं ये बोलना गलत नहीं होगा कि हमको आदि पुरुष में 500 करोड़ के सिर्फ एनिमेशन दिखाए जा रहे हैं। अब आप ये बोलेंगे कि मैंने इसके VFX की इतनी तारीफ कर दी, तो उसका कंपैरिजन किया जाए वन ऑफ द बेस्ट VFX मूवी रावण से। तो मैं बात को ज्यादा लंबे ना खींचते हुए सिर्फ इतना बोलूंगा कि नहीं, इसके VFX रावण के लेवल को मीट नहीं करते। इसका मेन रीजन है इस मूवी का छोटा बजट। इसके कुछ VFX शॉट ऐसे भी हैं जहां हमको अनरियलिस्टिक वाली फील आती है, जैसे कि शुरू में उस वाटरफॉल वाला सीन जहां पर कलर ग्रेडिंग भी अच्छी से नहीं की गई है। हनुमान जी की मूर्ति के सामने कुछ लोग हवा में उड़ते हैं, वो भी काफी अनरियलिस्टिक लगता है। जब हमको पहाड़ों के बीच में से रक्त रतन का वो शॉट दिखाया जाता है, तो वहाँ हम थोड़ी सी रेंडरिंग फील कर सकते हैं। जब हमारा हीरो वो गदा लेके फ्लाई करता है, तो वो सीन भी काफी अनरियलिस्टिक लगता है। टीजर के एंड में उस ग्लेशियर में हनुमान जी की आकृति दिखती है, तो उस सीन पर भी काफी काम बाकी है और मुझे यकीन है कि उसको पोस्ट प्रोडक्शन में सुधार लिया जाएगा। इसके 17 करोड़ के VFX 500 करोड़ के आदि पुरुष के VFX से काफी अच्छे हैं, और वहीं पर इसके VFX से कंपैरिजन रावण से करने का कोई तुक नहीं बनता। तो गाइस आज की वीडियो करते हैं यहीं पर रैप अप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो मुझे कमेंट बताना आपको क्या अच्छा नहीं लगा। तो मिलते हैं ऐसे जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।